अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन मोहन, आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार आज तो वैसे फ्राइडे है, आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी तो ऊपर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि सैटरडे वाले दिन इतनी ज़्यादा न्यूज़ होती नहीं है और काफ़ी कम चांसेज होते हैं कि इतनी ज़्यादा न्यूज़ इकट्ठी हो जाए कि हम लोग वीडियो को बना सकें। तो इसलिए आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं जो कि दी टेक शो को रेगुलरली देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो मैं कम्युनिटी टैब के अंदर भी पोस्ट लगा सकता हूँ कि क्यों आने वाले एपिसोड के लिए क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन भाई आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कोई भी कमेंट कर दिया करें ऐसे वैसे, ताकि हमारी वीडियो को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए। मैं ऐसे कहता नहीं हूं, लेकिन आप कर दिया करें, मतलब कि थोड़ा सा बेटर रहता है। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि हमारी कल वाली अपडेट का ही एक, मतलब आप कह सकते हो एडवांस वर्जन है, जो कि आ रही है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की प्राइस के रिलेटेड। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो कहाँ से आ गया, इन्फिनिक्स 0X जो प्रो है उसकी तरफ। तो बेसिकली कल हम लोगों ने जो प्राइस को डिस्कस किया था ना, वो अफ्रीकन मार्केट वाली की जो कि थी $356, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60,000 बन रही है। लेकिन जो यूरोप वगैरह के अंदर इन्फिनिक्स ने 0X प्रो को लॉन्च किया ना, वहाँ पर प्राइस तकरीबन $319 है, जो कि 53,000 बन रही है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये आता है तो ये 50,000 से लेकर 60,000 की रेंज के अंदर ही आएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि किस लिमिट तक अगर ये आता है तो आप बाय करोगे, उससे ऊपर अगर जाता है तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे? पर्सनली तौर पर अगर मैं अपनी बात करता हूँ ना, तो ये 50 से अगर नीचे नीचे रहता है तो ये अच्छी तरह टारगेट कर सकेगा मार्केट को। अगर ये 50 से ऊपर जाता है तो भाई फिर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप लोगों की क्या फीडबैक है, क्या राय है लाजमी तौर पर बताइएगा। बात करें अगली अपडेट की, तो भाई पाकिस्तान के अंदर आईफोन 13 सीरीज़ की जो प्राइजेज चल रही है ना, वो निकल के सामने आ चुकी हुई हैं। कल मैं मार्केट के अंदर गया तो मैंने वहाँ से पता वगैरह किया, तो पूरी मुझे एक लिस्ट मिल गई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो जितनी भी प्राइजेज आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है ना, हर मॉडल के अंदर तकरीबन 20-25-30,000 इन लोगों ने इंक्रीज़ की हुई हैं। क्योंकि अगर हम लोग सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं ना, आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर एग्जांपल शेयर करता हूँ आईफोन 13 मिनी की, जिसकी प्राइस $700 है, लेकिन अगर आप अमेरिका से बाय करते हो तो वहाँ पर कुछ टैक्स लगता है, $730 के अराउंड इसकी प्राइस बनती है। जिसको अगर हम लोग डायरेक्टली तौर पर कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो 1,22,000 बनते हैं। उसके ऊपर अगर हम लोग PTA के रजिस्ट्रेशन का टैक्स वगैरह लगा लेते हैं 40,000 से 45,000, तो उसके बाद बनती है 167,000 अब बन रही है। इन लोगों ने 1,90,000 रखी हुई है। अगर हम लोग इनका भी अपना थोड़ा बहुत मार्जिन रखते हैं ना, तो ये फिर भी तकरीबन 10,000 एक फूट के अंदर इनका मार्जिन होता है शिपमेंट ट्रांसपोर्ट वगैरह का। लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो कि इन लोगों ने 1,90,000 रखी हुई है, जो कि टोटली तौर पर ओवर प्राइस है। अगर आप बाय करना चाहते हो, आप लोग थोड़े से पैसे बचाना चाहते हो तकरीबन 15,000 से 20,000, तो आप वेट कर सकते हो। जब ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर आएंगे मर्केंटाइल और जो एयरलिंक वगैरह की ऑफिशियल वारंटी होती है उसके साथ, तो आपको कम प्राइस के ऊपर देखने को लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को भाई जल्दी आप लोगों ने अपना स्वैग दिखाना, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। एक और चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ कि इस दफा जो आईफोन है ना, जितने भी हैं, चाहे आईफोन 13 मिनी है, चाहे 13 प्रो मैक्स है 1 TB वाला, जो भी है, सभी के अंदर आप लोगों को जो डुअल eSIM की सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगी। पहले हमें एक eSIM की सपोर्ट मिलती थी, लेकिन अब सभी मॉडल्स के अंदर एप्पल ने डुअल eSIM की सपोर्ट दे दी हुई है। और इसका मतलब अब ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि जो एक हमें डेडिकेटेड स्लॉट मिलती है, जब हम लोग उसको भी लगाएंगे तो क्या हम 3 सिम्स को यूज़ कर पाएंगे, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है। इसका तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन आप डुअल eSIM को यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। हम लोग ने पहले एक रूमर को डिस्कस किया था कि आईफोन्स के अंदर इस दफ़ा आप लोगों को विदाउट इंटरनेट, विदाउट नेटवर्क कॉल्स और SMS करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि वो जो हम लोगों ने बात की थी ना, कि आपको एक चिप मिलेगी जो कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करके आपकी जो कम्युनिकेशन है ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पर कोई नेट वगैरह नहीं होता उसको प्रोवाइड करेगी। तो भाई एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर इस किस्म की कोई भी बात नहीं की, और अभी तक ऐसी कोई चीज़ समझ में नहीं आई ना ही सामने आई है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा वैसा आपको कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा, वो वाला जो रूमर था वो ठीक नहीं हुआ। अब एक और चीज़ लास्ट जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, जिसको सुन के आप लोगों को थोड़ी सी खुशी होगी कि भाई दुनिया के अंदर सबसे जो महंगे आईफोन्स इस वक्त चल रहे हैं ना, मतलब कि अगर हम लोग आईफोन 13 सीरीज़ की बात कर लेते हैं, तो अगर आप बाय करते हो तुर्की से या फिर ब्राज़ील वगैरह से, साउथ अमेरिका से, तो वहाँ पर जो रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा महंगे हैं दुनिया के कंपैरेटिवली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं आईफोन
13 मिनी की, जिसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर 1,90,000 है, जो कि ओवर प्राइस है। लेकिन अगर आप तुर्की से बाय करते हो तो भाई वहाँ पर आपको तकरीबन 2,10,000 पे करने पड़ेंगे, मतलब कि $1,300 वहाँ पर प्राइस चल रही है आईफोन 13 मिनी की। तो आप थोड़ा सा अपने आप को हौसला वगैरह दे सकते हो कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर टैक्सेज लग रहे हैं तो इतने कोई ख़ास ज़्यादा नहीं लग रहे कि हम लोग सबसे मैक्सिमम टॉप के ऊपर हों। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मुझे लगता है कि तीसरा चौथा नंबर है लास्ट वाले, मतलब कि सबसे एक्सपेंसिव अगर हम लोग कैटेगरी की बात करते हैं। तो खैर बहुत कर ली हम लोगों ने बात आईफोन 13 सीरीज की, बात करते हैं GoPro की। तो GoPro के रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो कि सबसे मतलब कि हाई एंड सिनेमैटिक एक्शन कैमरास होते हैं, उनका जो लेटेस्ट वर्जन है जो कि GoPro 10 है, उसको उन लोगों ने रिलीज कर दिया और लॉन्च कर दिया हुआ है। मैं काफी पर्सनली तौर पर इंटरेस्टेड हूँ GoPro के अंदर, मैंने वैसे बाय भी करना है, मतलब इतना मुझे चाहिए नहीं, लेकिन जब मैं उसकी वीडियोज देखता हूँ ना तो मेरा दिल करता है भाई GoPro को बाय करना चाहिए। खैर जो GoPro 10 है इसके अंदर आप लोगों को 5.3K वीडियो को शूट करने का ऑप्शन मिलेगा 60 FPS के ऊपर। नॉर्मली हम लोग बात करते हैं 4K की, लेकिन ये 4K नहीं है, 5.3K है 60 FPS के ऊपर। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया, जैसे कि वेट थोड़ा सा कम किया गया, जो स्क्रीन की क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया गया, और इस दफ़ा आप लोग जो लाइव स्ट्रीम है इसके कैमरा से डायरेक्टली तौर पर वो कर पाओगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स सामने आए हैं, और एक इन लोगों ने नई चिप को लगाया, जो प्राइस है वो है $500। तो भाई अगर आप बाय करना चाहते हो तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वैसे इनके ऊपर इतना खासा टैक्स नहीं लगता, जितना डॉलर का रेट होता है उससे ही कुछ 5-6 हज़ार ऊपर आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाता है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, तो आप लोगों को पता कि सैमसंग के डिस्प्लेस तो टॉप के ऊपर हैं। अब सैमसंग ने जो लैपटॉप्स के डिस्प्लेज हैं ना 14 इंच वाले, जो कि ओलेड डिस्प्ले हैं, जो कि 90 हर्ट्ज़ के साथ आएंगे, उनकी मास प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया हुआ है, मतलब कि बहुत जल्द आप लोगों को किसी ना किसी लैपटॉप के अंदर देखने को मिलेगा ऐसा डिस्प्ले जो कि 14 इंच का होगा, ओलेड डिस्प्ले होगा, और उसके अंदर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी होगा। और ये चीज़ कही जा रही है कि सबसे पहले एसुस किसी फोन के अंदर, फोन कहाँ से आ गया, किसी लैपटॉप के अंदर इसको यूज़ करेगा। तो इसका सीरियस मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ओलेड डिस्प्लेज है ना, हायर रिफ्रेश रेट वाले, आप लोगों को जो हमारे मेन स्ट्रीम के लैपटॉप्स हैं उनके अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड, तो आपको पता है कि आजकल जो व्हाट्सएप ना काफ़ी अच्छा बच्चा बना हुआ, काफ़ी नए नए फीचर्स को इंक्लूड करा है। एक नया फीचर निकल के सामने आया, आप लोगों ने अगर किसी को वॉइस नोट सेंड किया तो अगर आप उसको सुन नहीं सकते, आप किसी ऐसी जगह के ऊपर हैं, तो भाई आप उसको ट्रांसलेट भी कर पाओगे, मतलब कि आपको अगर कोई वॉइस नोट आया आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे, जिस तरह हम लोग नॉर्मल तौर पर बोलते हैं तो वो टाइप हो जाता है, उसका उल्टी आप इसको समझ सकते हो, जिसको स्पीक रिकग्निशन कहते हैं। तो ये फीचर बहुत जल्द आ रहा है, लेट्स सी कि ये कब आता है। अभी इसकी जो टेस्टिंग है ना बीटा वगैरह स्टेज के ऊपर वो चल रही है, तो लेट्स सी कि ये कब रोल आउट करते हैं। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, सैमसंग गैलेक्सी A73 के रिलेटेड। अभी A72 चल रहा है, A72 जो अगला बड़ा भाई होगा उसके रिलेटेड, तो ये चीज कही जा रही है कि ये A सीरीज का पहला फोन होगा जिसके अंदर सैमसंग 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा का सेंसर यूज करेगा। आपको पता है कि सैमसंग के जो हाई एंड अल्ट्रा टाइप के फोन हैं उनके अंदर तो हमें 108 मेगापिक्सल काफी देर से मिल रहा है, लेकिन सैमसंग ने अब 108 मेगापिक्सल से 200 मेगापिक्सल के ऊपर जंप करना ऊपर वाले फोन के अंदर। तो जाहिर सी बात है हमेशा से यही चीज होती है कि सैमसंग के जो फ्लैगशिप फीचर्स होते हैं वो आपको A सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, तो दिस टाइम बाई 108 मेगापिक्सल कमिंग इन A73। इसके अलावा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो होगी होगी, और इस चीज को तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 2022 के अंदर जितने भी A सीरीज के फोन आएंगे सभी के अंदर देखने को मिलेगी। A22 के अंदर तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसका मतलब यह है कि जो A13 होगा या फिर A04S टाइप के होंगे उनके अंदर भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल सकती है, जो कि काफी अच्छी अपडेट है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि अगेन सैमसंग के रिलेटेड है, जो कि सैमसंग M52 के रिलेटेड। अब सैमसंग की जो एम सीरीज है पाकिस्तान के अंदर वो आती है, ऑफिशियली तौर पर आती है, लेकिन इतने को ज़्यादा अभी खास मॉडल्स नहीं आए। लेकिन हम बात करने वाले हैं M52 5G के रिलेटेड, जो कि इधर उधर कहीं पर लिस्ट होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर अगर हम लोग नजर डालते हैं तो ये चीज़ कही जा रही है कि 1080p फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा, जिसके साथ 120 Hz का रिफ्रेश रेट भी होगा। जाहिर सी बात है कि ओलेड डिस्प्ले होगा, यहाँ पर LCD डिस्प्ले का तो कोई सीन बन नहीं सकता, मतलब कि सैमसंग ने LCD डिस्प्ले को तो काफ़ी देर से इस रेंज के अंदर बाय बाय कर दिया हुआ है। स्नैपड्रैगन 778G को यूज़ किया जाएगा, और जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस होंगी उनके अंदर 64 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो स्नैपड्रैगन 778G है ना, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा स्मार्टफोन कंपनीज की तरफ से, क्योंकि 5G की जो चिपसेट है अब वही बन रही है जो 4G की चिपसेट थी ना इस रेंज के अंदर, उसको ना तो TSMC बना रहा और ना ही सैमसंग वाले बना रहे और ना ही स्नैपड्रैगन बना रहा। तो भाई अगले साल या फिर इस साल
फिलहाल मुझे लगता है कि अब जितने भी फोन आएंगे ना उनके अंदर आपको 5G की चिप्स ही देखने को मिलेंगी। और ये वाली जो चीज़ है ना कि एक ऐसा फ़ोन आता है जिसके अंदर 5G मिल रहा है, फिर 5G ही मिल रहा होता था, दूसरी स्पेसिफिकेशंस कोई इतनी खास अच्छी नहीं होती थी। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स आए हैं जो कि हम लोगों ने कवर भी किए हैं। तो ये वाला जो एक फैक्टर है ना 5G का, मतलब कि 5G अब एक यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं रहेगा किसी भी स्मार्टफोन्स के अंदर। इस साल के ख़त्म होते हुए आप लोगों को सभी फ़ोन्स के अंदर 5G ही मिलेगा। तो हमारी ये वाली जो टेंशन है ना, ये एक थोड़ी सी एजिटेशन के हम लोग स्मार्टफोन बाय कर रहे होंगे उसके अंदर 5G मिल रहा है, हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, तो जब 5G आएगा हमारे फ़ोन के अंदर होगा या फिर नहीं होगा, ये चीज़ डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी सभी फ़ोन के अंदर ही 2022 के अंदर 5G आ जाएगा, चाहे वो मिड रेंज के हैं या फिर लोअर मिड रेंज के हैं, मतलब कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो ख़त्म करते जाने से पहले आप लोगों को अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाने से पहले चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।